नमस्कार व्यूअर्स एंड लिसनर्स, सुष्मिता'स क्लासरूम में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप अपना और अपने प्रियजनों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको पाखी की कहानी का छठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। मुझे ये जानने का इंतजार रहेगा कि आपको मेरी प्रस्तुति कैसी लगी। अतः शुरू करते हैं पाखी की कहानी का छठा अध्याय, कहानियों की दुनिया। भूत से याद आया, जब पाखी छोटी थी वो अक्सर सुना करती थी कि सिविल लाइंस में बने कब्रिस्तान को लोग आत्माओं का बसेरा कहते थे। रात को वहां से गुजरने वाले हर शख्स को भूत दिखता था, इसी वजह से वहां दुर्घटनाएं भी होती थी। कहा जाता था कि वहां रहने वाले लोग एक अंग्रेज की आत्मा को देर रात 2 बजे सड़क पर घूमते हुए देखा करते थे। अंग्रेज सफेद रंग की पोशाक पहने हुए रहता था और उसके हाथ में हथियार होता था तथा टोकने पर गायब हो जाता था। ये भी कहा जाता था कि गंगा बैराज में रात 2 बजते ही आत्माओं का जमावड़ा लग जाता था। वहां रात में कोई भी जाता तो डर के ही वापस लौटता था। आसपास रहने वालों ने भी यह अनुभव किया था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें परेशान करती थी। पाखी और उसके भाई को भूतों की कहानियां सुनाने वाले नीचे वाले ताऊ जी थे। उनका ऑफिस भी सिविल लाइंस में था। रात को खाना खाने के बाद जब बच्चे उनके घर जाते तो वो उन्हें ऐसे ही बहुत सारी रोमांचक किस्से कहानियां सुनाते। एक और कहानी पाखी को याद आती है जिसमें उन्होंने एक मस्जिद के बारे में बताया था, जहां भूतों की अदालत लगती थी और भूतों को उनके अपराध की सजा सुनाई जाती थी। वैसे हर दिन भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति वहां आते थे, पर हर गुरुवार को तो अदालत ही सस्ती थी। ताऊ जी बताते थे कि एक दिन जब वो ऑफिस से रात की ड्यूटी करके वापस आ रहे थे तो चौराहे के पास अंग्रेज फौजी की आत्मा से उनका सामना हो गया। वो जैसे ही पास पड़े एक ईंट को उठाकर उसकी तरफ दौड़े तो वो लापता हो गया। इसके बाद वो बीमार पड़ गए। झाड़ फूंक करवाई गई, तब कहीं जाकर उसके साये से वो छूट पाए। एक घटना और वो बताते थे कि उनके एक मित्र किसी रेडियो स्टेशन में काम करते थे। दिसंबर का महीना था और रात के करीब 9 बज चुके थे। चारों तरफ घना कोहरा था। यूरोपियन कार्यक्रम के इंचार्ज उनके मित्र स्टूडियो से बाहर निकले और टहलते हुए लॉन में चले गए। अचानक उन्होंने देखा कि आम के पेड़ के नीचे एक पुरुष की छाया है। अपना वहम समझकर उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में ऐसी घटना हुई कि उनके तो होश ही उड़ गए। मारे डर के उनका बुरा हाल होने लगा। उन्होंने देखा कि लॉन में मेज के पास रखी कुर्सियों में से एक कुर्सी अचानक हवा में उठने लगी और फिर नाचने लगी। इसके बाद सीढ़ी के दरवाजे से टकराकर कुर्सी टेढ़ी हो गई। इस नजारे को देखकर भय से कांपते हुए वो किसी तरह मेज पर रखे टेलीफोन तक पहुंचे और ड्यूटी रूम में फोन करके बताया कि उनकी हालत खराब हो रही है। ड्यूटी रूम में मौजूद लोग भागकर लॉन में पहुंचे। वापस ड्यूटी रूम में पहुंचने के बाद उन्होंने किसी से इस बात की जिक्र नहीं की, लेकिन उन्होंने कई बार देखा कि देर रात रेडियो स्टेशन के गलियारे में कोई छाया टहल रहा होता था। वो देखने में अंग्रेज जैसा लगता था। पाखी और उसका भाई जब ये कहानियां सुनते तो बहुत रोमांचित हो जाते थे, पर साथ में उन्हें डर भी लगता था। इसके बाद तो ऐसा हुआ कि रात को अगर उन्हें उठना पड़ता तो उनका डर के मारे बुरा हाल होता था। अब डर की बात से एक और छोटी घटना याद आई कि जब पाखी पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तो विद्यालय में उसकी सहेली हरदेवी से सुनकर आई थी कि पास के सिनेमा हॉल गोपाल टॉकीज में राम सीता की फिल्म चल रही है। वो माँ के पीछे ही पड़ गई कि राम सीता की फिल्म देखने जाना है। आखिर एक दिन
माँ उसको लेकर वो फिल्म देखने गई। फिल्म का नाम था नीलकमल, जिसके हीरो राजकुमार जी थे तथा उनका नाम था राम। उनकी आत्मा एक अंधेरी रात को, जब खूब आंधी तूफान चल रहा था, अपनी प्रियतमा मीना कुमारी को लेने आती है तथा उनको लेकर नौका विहार में जाती है। वो सीन देखकर पाखी इतना डर गई कि जोर जोर से रोने लगी। आखिर माँ को इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म को इंटरवल में ही छोड़कर आना पड़ा। धन्यवाद, सदा प्रसन्न रहें।